स्वकरमंते कब हूँ ना टरों ना डरों अरसों जब जाए लरों निश्चकर अपनी जीत करूँ अर सिख हूँ अपने ही मन को ए लाल छो तो गुण उचरों जब आऊ की अवधन दान बने अत ही रन में तब जो जमरूँ जब आव की अवधन दान बने अत ही रन में तब जो जमरूँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सारे किसान वीरजन और समुचा संत समाज महापुरख और सिंह साहिबान, आज आपां जो इस स्टेज ते एकत्र होए हां इस स्टेज नूं तकरीबन 9 महीने तो उपर समा बतीत हो गया है और किसानां दा जो हौसला किसानां दी जो कुरबानी इन्ने लंबे अरसे तो इत्थे बैठ के ये ड्यूटी निभाउणी मैं सारे ही किसान वीरां दा कुटान कोट धन्नवाद करदा हाँ रोम रोम रीणी आ जो इन्होंने इतना वड्डा संघर्ष करके दिखाया। आज सिंह साहब और समुचा संत समाज जो इत्थे पहुंचिया है एक किसानां दा जो संघर्ष है इहदे विच सफलता और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है इहदे वास्ते कि यह जिहड़ा संघर्ष है होर सरगर्म हो के सरकार दीआं जो नीतियां नूं डाउन करन वास्ते ये अज आपां कत्तर होए हां। लेकिन मैं एक दो बेनतियां करनियां चाहुंदा हां दास दा बड़े लंबे अरसे तो यह विचार जो अज आपां इत्थे पहुंचे हाँ कई दफा ये सोचा कोशिश की कि आपां कट्ठे हो के सारे महापुरख उत्थे पहुंचन पर कुछ समा ऐसा सिस्टम ना अपनाया जा सकिया। लेकिन हुण जो अज आपां कत्तर हो के आए हैं सिंह साहब जी और भाई गुरदीप सिंह जी इन्हां दे उद्यम ते पराले जिन्हां ने सारे महापुरखां नूं कट्ठे किया इत्थे आउंदिआं नूं दास नूं जदों दा संघर्ष चलिया उदों तों दास इत्थे आ रिहा है इत्थे नाल ही स्टेज दे नाल ही लंगर चल रिहा है और होर भी जिथे जो ड्यूटी लगती है वह नभाई जाती है टिकरी बार्डर ते भी लंगर चल रिहा है। आ जिहड़ा अज दा जो काफला इत्थे पहुंचा है इस नूं डाउन करन वास्ते सरकार दियां बड़ियां नीतियां वरतियां गईयां कि तुसीं किसे तरह ये सारे महापुरख इकट्ठे होके उत्थे ना पहुँचो। ऐसियां हरकतां गौरमेंट दियां जो पॉलिसियां सन उन्हां नूं वरतिया गया। लेकिन दास ने एक बेनती की जो बाबा बंदा सिंह बहादुर फतेह मार्च है ये हर हालत विच निकलेगा और गज वज के निकलेगा अज उस सारे महापुरखों के प्यार का सदका इतने आप जो पहुँचे हाँ बहुत खुशी हुई है और अज के इस संघर्ष में जदों तो लैके शुरू होया है अज तुम देखो हर वर्ग हर धर्म के इतने नुमाइंदे इतने पहुँचे ने कबीरपंथी पहुँचे ने रविदासी पहुँचे ने निर्मले उदासी और सारे ही जथेबंदियां निहंग सिंह जथेबंदियां सारिया इतने पहुँचिया ने एक वधाई का समा जड़ा है पात्र है और विच तुसीं देखो व्यापारी वर्ग हर वर्ग तो इत्थे अज आप कट्ठे होए हैं तो अज वर्गा समा जो आपां नूं प्राप्त होया है एक किड्डी वड्डी जो किसानां दे पिछे जो पावर शक्ति होर वरती जा रही है। लेकिन दास ज़्यादा समा ना लवे एक दो मैं बेनतियां कर दी चाहुंदा सरकारां ने अपना जोर लाता अज दी शुरू तो ऐसे काम होंदे आए ने। लेकिन जदों महापुरख स्टेज ते आ गए ने जो महापुरखां दा काफला इत्थे पहुँच गया किसानां दी हलप वास्ते ये सारे ही नाम जपिए ने जप तप करन वाले ने। लेकिन जप तप करन वाला व्यक्ति
ओदे अंदर दी जड़ी पुकार है ना हाय जो जो चितवे साध जन सो लेता मान जो अंदर दी पुकार है वह प्रभु ने सुनी है उस पुकार नूं प्रभु ने अवश्य सुनना है। अगर जे नहीं किसे गल्लां ते आवेगा तो मैं एको ही बेनती करांगा कि ये सारे ही जितने आपां लोग बैठे हाँ महापुरख ने ये तुहाडी साडी हाँ गौरमेंट हुण लै बैठेगी ये हाँ लै बैठेगी। आपां सिर्फ दो बार मूल मंत्र का पाठ करना है सारे ने कट्ठिया ने ते नाल ही अरदास करके फतेह बुलाउणी है सारे कट्ठे जपना है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरख अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद हैपी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। सो गुरमुख प्यारियो ये जरा बाबा बंदा सिंह बहादुर फतेह मार्च जिस दिनों मीटिंगा चल रही ने जिथे जिथे भी इकट्ठ होंदा रहा नाल नाल उत्थे बकायदा अरदास की जाती रही और कल भी तुर लगे अरदास करके फिर एक काफिला तुरिया तो हूँ आप छोटी जी अरदास करनी है अंतर ध्यान होना उस परमेसर के चरणों के विच अरदास नहीं होनी वो अरदास नहीं होनी ये सिर्फ छोटी उतरा अरदास आ कि सच्चे पातशाह वो अरदास नहीं होनी ये अरदास करनी कि सच्चे पातशाह जितने भी इत्थे गुरमुख प्यारे पहुँचे ने सारिआं दे हिरदे की जिहड़ी पुकार आप सुनो और आप कृपा बख्शिश करके ते सरकार दियां जिहड़ियां जड़ां हिल जाण। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा जी साध संग साहिब बोलणा जी श्री हे अकाल पुरख अंतर जामी श्री गुरु नानक देव निरंकार सू सच्चे पातशाह जी आप कृपा करो बख्शिश करो सच्चे पातशाह जो आप जी दियां बख्शियां हुई रूहां इस वक्त पंडाल च बैठिया ने किसानी वीर और जितने भी जथेबंदियां महापुरख इत्थे पहुँचे ने सब दे हिरदे दी पुकार सुनो ते आप कृपा बख्शे करके ये जो कानून ने इन्हां नूं आप कृपा बख्शिश करके उन्हां नूं समत बख्शो ये सारे वापस होण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू बोले सो